सिरसा के गांव कुसुम्बी में जहरीला पानी पीने से दो व्यक्तियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जबकि एक महिला सहित चार घायल हो गए हैं। घायलों में दो बच्चे भी शामिल हैं। घटनास्थल से मिली जानकारी के अनुसार किसान बहादुर राम की ढाड़ी में पानी पीने के लिए मटका रखा हुआ था। खेत में काम से वापस बहादुर राम अपनी ढाड़ी पर पहुंचा और मटके में रखा पानी पी लिया। उसके साथ उसका पड़ोसी किसान रामकुमार भी था, उसने भी पानी पिया, जिसके बाद दोनों की तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने तुरंत दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इन्होंने अपने खेत में पानी लगाने के लिए गए थे और साथ में पड़ोस की ढाणी के अंदर तिस लगने की वजह से पानी पीने गए थे और वो पानी पीने के बाद उनको बेचैनी होने लगी और हमने फर्स्ट एड ली गांव में और उसके बाद हम सिरसा सरकारी हॉस्पिटल में आए तो आते वक्त उनकी रास्ते में डेथ हो गई। मिली जानकारी के अनुसार उस मटके का पानी किसान बहादुर राम के परिवार के अन्य सदस्यों ने भी पिया था, जिससे उनकी तबीयत भी बिगड़ने से उन्हें सिरसा के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है और मटके के पानी को जांच के लिए लैब में भेज दिया गया है, ताकि पता चल सके कि पानी जहरीला कैसे हुआ। ये हमारे को सूचना मिली कि बहादुर राम और राजकुमार जो कसुम्बी गाँव रहने वाले हैं, इन्होंने को नए मटके में पानी था, वो पानी पीने से इनकी मौत हो गई। हो सकता है उस पानी के अंदर कोई जहरीला जानवर हो। अब उनकी जो है 170 कार्रवाई अमल बुला रही है, पोस्टमार्टम कराएंगे, पोस्टमार्टम जो रिजल्ट आएगा उसके बाद ही सूत्र कार्रवाई अमल बुला रही है। बहरहाल अब देखना होगा कि पानी की जांच रिपोर्ट में क्या खुलासा होता है, तभी पता चल पाएगा कि आखिरकार मटके का पानी जहरीला कैसे हुआ। सिरसा से सतनाम सिंह की रिपोर्ट।